बहुत सारे लोग घरों में बंद हैं, डर लग रहा है, बेरोजगारी की बात हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, बहुत लोगों को डर लग रहा है कि भोजन नहीं मिलेगा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान इस वायरस को बहुत आसानी से हरा देगा, मगर हिंदुस्तान को मिलकर काम करना पड़ेगा, एक होकर काम करना पड़ेगा। वायरस हमें यही मैसेज दे रहा है, सब देशों को यह मैसेज दे रहा है, अगर हम बट गए वायरस जीत जाएगा, अगर हम एक हो गए वायरस को हम हरा देंगे। कांग्रेस पार्टी और मैं कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं, चाहे सरकार माने या ना माने, हम अपने सुझाव देना चाहते हैं। जो सुझाव हमारे सरकार लेना चाहे वो ले ले, जो ना लेना चाहे ना ले, मगर हमारा काम पॉजिटिव सजेशंस देने का है। कोविड वायरस से लड़ने के लिए मेन जो हमारी फोर्स है वो स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है। जो केरला में सक्सेस, वायनाड में जो सक्सेस हुई है, वो बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का की मशीनरी है वो इफेक्टिव काम कर रही है। तो मेरा एक सजेशन है कि कोविड के खिलाफ जो लड़ाई हो वो टॉप डाउन ना हो, वो बॉटम अप हो, और प्राइम मिनिस्टर, जो स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको एम्पावर करें। प्राइम मिनिस्टर का रोल आर्मी को एम्पावर करने का है, फोर्सेस को एम्पावर करने का है, स्टेट्स को पैसा पहुंचाने का है। जहां तक एम्पीलैड की बात है, ठीक है, वो मतलब मेजर बात नहीं है इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में मेजर बात यह है कि हम मिलकर एक साथ लड़ रहे हैं, हम जो हमारे जो एसेट्स हैं उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हम इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हैं, जो हमारी जनता है उसको हम एडिक्वेटली यूटिलाइज कर रहे हैं। तो उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। फूड सप्लाई क्रिटिकल चीज है और एकदम, मतलब आज नहीं, ये तो 10 दिन पहले कर देना चाहिए था कि जो हमारे गोडाउन में खाना है वो एकदम अनाज है, एकदम डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी मिलना चाहिए, कोई ना कोई तरीका निकाला जा सकता है असेस करने के लिए। बट मुझे लगता है कि 10 kg व्हीट और राइस, 1 kg पल्सेस, 1 kg चीनी हर सप्ताह सरकार को देना चाहिए उन लोगों को जो भूखे हैं, मिनिमम, मतलब एकदम, क्योंकि क्योंकि हमारे गोदाम्स में ओवर सप्लाई है और वो फसल के बाद और ज्यादा हो जाएगा, तो उसको तो एकदम कर देना चाहिए। टेस्टिंग पे मैंने कहा, देखिए अब जो हुआ हो गया उसको भूल जाइए, क्योंकि यहां पे अब हम ऐसी लेवल पे पहुंच गए कि ये अब इमरजेंसी सिचुएशन हो गई है। तो मुझे ये कहना कि भाई ये नहीं किया वो नहीं किया, वो मैं नहीं करना चाहता हूं। जो किया किया, जो नहीं किया नहीं किया, अब आगे देखते हैं और मिलकर हिंदुस्तान यूनाइट होके इस चीज से लड़े, और इससे इससे देश को भी फायदा होगा। मगर मेरा मेन सुझाव ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज करें, न्यूआंस तरीके से स्ट्रेटेजिकली काम करें। आइडिया है कि भाई लॉकडाउन हो गया तो बात बन गई, नहीं, लॉकडाउन हुआ तो बात नहीं बनी है, बात पोस्टपोन हुई है। तो रिसोर्सेस को इफेक्टिवली यूटिलाइज कीजिए, रिसोर्सेस को स्टेट्स के हाथ में दीजिए, GST जो स्टेट्स को देना है वो दीजिए, चीफ मिनिस्टर्स और डिस्ट्रिक्ट्स से खुलकर कम्युनिकेशन कीजिए, उनको जो उनकी जो डिमांड्स हैं उनको एक्शन कीजिए। तो ये डायरेक्शन की जरूरत है। जिस प्रकार से पैसा पहुंचना चाहिए, जिस स्पीड से पहुंचना चाहिए,
वो नहीं पहुंच रहा है। मैं आपको दो तीन उदाहरण देता हूं। कोरोना से लड़ने के लिए आपको दो तीन स्ट्रेटेजिक चीजें एकदम करनी पड़ेंगी। दो दो फ्लैंक्स पे एक्शन चल रहा है, एक हेल्थ केयर मेडिकल, दूसरा इकोनॉमिक। थोड़ी सी मैं इकोनॉमिक स्पीयर की बात करता हूं। फूड शॉर्टेज आएगी, आने वाली है। आपके पास गोदाम में फूड सप्लाई है, उसको आप दीजिए। एकदम आप गरीब लोगों को फूड सप्लाई देना शुरू कीजिए। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी इंक्लूड कीजिए। तो फूड का एक सेफ्टी नेट तैयार कीजिए। न्याय योजना, डायरेक्ट पैसा 20% सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए, प्रीएम्प्टिवली कीजिए। क्योंकि ये जो हमारी सबसे गरीब लोग हैं, जो वीकर सेक्शंस हैं, जो मैन्युअल लेबरर्स हैं, इनको प्रॉब्लम आ गई है और आएगी। तो प्रीएम्प्टिवली फूड नेट बनाइए। मिनिमम न्याय योजना नाम न मत यूज कीजिए, कोई और नाम दे दीजिए, बट मिनिमम फाइनेंशियल नेट तैयार कीजिए। बेरोजगारी आने वाली है, शुरू हो गई है और जबरदस्त तरीके से लोग बेरोजगार होंगे। ठीक है, सेंट्रल जो रोजगार देते हैं कौन है? एसएमई, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। उनके लिए आप एक डिफेंसिव पैकेज तैयार कीजिए, उनको प्रोटेक्ट करने का पैकेज तैयार कीजिए। हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो कनेक्टेड कंपनीज हैं, स्ट्रेटेजिक कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज हो सकती हैं, उनके लिए आप प्रोटेक्शन तैयार कीजिए। तो ये हुई इकोनॉमिक साइड पे। अब डिजीज साइड पे आप लॉकडाउन के बाद आपकी एग्जिट स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी टेस्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपकी मेडिकल स्ट्रेटेजी क्या होगी, आप पीएचसीज को, हॉस्पिटल्स को रैंप अप कैसे करोगे? क्योंकि आपको वो लॉकडाउन खुलने से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद डिजीज का अपटेक होगा, डिजीज बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो आपको अग्रेसिवली उसको काउंटरैक्ट करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये डिलेड एक्शन नहीं होना चाहिए, ये इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। मुझे काफी दुख हो रहा है कि आज तक जो फूड सप्लाई हमारा गोदाम में है वो लोगों के हाथ में नहीं पहुंचा है। मुझे थोड़ा डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि जो हमारी स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मालूम हो जाना चाहिए कि उनके लिए क्या किया जा रहा है, क्योंकि ये अब नेशनल इशू है, सिक्योरिटी इशू है। देखिए, इसमें बाकी देश जो कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं, मुझे फ्रेंकली बाकी देशों के ऊपर वरी नहीं है। मैं जो हिंदुस्तान कर रहा हूं उसमें इंटरेस्टेड हूं। और मैंने कहा कि काफी एरियाज हैं जिन पर हमें सोचना है, जहां हमें सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। एक बहुत बड़ा एरिया टेस्टिंग, दूसरा एरिया जो हमारे ऊपर फाइनेंशियल इंपैक्ट आने वाला है उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, तीसरा एरिया जो फूड शॉर्टेज आने वाली है उस पर हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, चौथा हमारा जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो है, जो हमारे 40% रोजगार देते हैं देश में, उनके लिए हमारा प्रोटेक्शन प्लान क्या है। मुझे नहीं लगता कि बाकी देश हिंदुस्तान जितने कॉम्प्लिकेटेड हैं, हिंदुस्तान जितने बड़े हैं, तो हमें इन चीजों को प्रोएक्टिवली अपफ्रंट सोचना पड़ेगा और एक्शन करना पड़ेगा। ये तो अगर देखिए, ये जो लड़ाई है ये अभी शुरू हुई है, इसमें आज विक्ट्री डिक्लेयर करना बहुत गलत काम होगा, क्योंकि ये लंबी लड़ाई है और इस लड़ाई को सिस्टमैटिकली आस्ते आस्ते लड़ना पड़ेगा। देखिए, एक बार डिजीज चालू हो गई तो ऑब्वियसली सब देशों ने अपनी जो टेस्टिंग किट्स मंगानी थी वो मंगानी शुरू हो गई। तो आज
टेस्टिंग किट्स का जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, वो रियलिटी है। अमेरिका भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, यूरोप भी टेस्टिंग किट्स चाहता है, सब देश टेस्टिंग किट्स चाहते हैं। उस सिचुएशन में हिंदुस्तान के हाथ में टेस्टिंग किट्स नहीं पड़ रही हैं। जो आप रैपिड टेस्टिंग किट्स की बात कर रहे हैं वो भी मिनिस्क्यूल नंबर ऑफ किट्स हैं। तो हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा। अब ठीक है, अब हम यहाँ हैं, अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि भाई इसलिए यहाँ है, क्यों यहाँ है, मगर कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी कि हम टेस्टिंग एट स्केल कर पाए। क्योंकि अगर आप कोविड से लड़ना चाहते हैं, बिना टेस्टिंग एट स्केल आप लड़ ही नहीं सकते। आपको यही नहीं मालूम होगा कहाँ है एक बीमारी, कहाँ है। मान लो आपने एक हॉटस्पॉट, आपने हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज बना दिए। अगर आप नॉन हॉटस्पॉट एरियाज में टेस्ट ही नहीं कर पा रहे तो आपको मालूम ही नहीं कि वो हॉटस्पॉट कब हो जाएगा। तो अगर आप एक ग्रेजुएटेड स्ट्रेटजी चाहते हैं तो आपको टेस्टिंग की तो जरूरत ही है, क्रिटिकल है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि क्यों नहीं हुआ है, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज से पूरा दम लगा के पूरा हिंदुस्तान टेस्टिंग तेजी से करे। और टेस्टिंग के प्रॉक्सीज भी हो सकते हैं। तो सिर्फ टेस्टिंग किट ही नहीं है, और तरीके भी हो सकते हैं, मगर स्ट्रेटेजिकली करना है। सिंपल तरीके से नहीं होगा कि भाई किसी को वायरस हुआ, हमने टेस्ट किया, फिर हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बिना रैंडम टेस्टिंग आप वायरस के पीछे ही दौड़ते रहोगे और वायरस आपके आगे निकलता जाएगा। जब आप रैंडम टेस्टिंग करोगे तो आप वायरस को रोक पाओगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।